हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आला वैकंत पुरलो, कितने लोगों ने कल रात को ढिंचैक पर हिंदी पर देखा है? हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने उसको ओरिजिनल तेलुगु लैंग्वेज में बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो उसके हिंदी रिलीज का वेट कर रहे थे। तो फाइनली कल रात को ऐसा हो चुका है, और मैंने जब इस मूवी को देखा तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। अफसोस इस बात का हुआ कि जब मैंने इसका ओरिजिनल लैंग्वेज में मूवी देखा था तब मुझे ये एवरेज मूवी लगी थी, लेकिन जब मैं कल इसे हिंदी डब में देखा तो मुझे ये ब्लॉकबस्टर नजर आई। मुझे पता नहीं किसी मेरे साथ हुआ या आप लोगों के साथ भी हुआ, वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। कहानी सिंपल सी है कि दो वर्कर्स हमें नजर आते हैं जिसका नाम है, एक रामचंद्र है दूसरा वाल्मीकि है। दोनों ही साथ में स्कूटर पर जाया करते थे, बजाज के चेतक पे। कहानी में आगे ये होता है कि रामचंद्र बॉस की बेटी को पटा के शादी कर लेता है और वाल्मीकि वहीं का वहीं एज अ वर्कर रह जाता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब दोनों को एक ही रात लड़के पैदा होते हैं, लेकिन रामचंद्र जो कि बहुत पैसे वाला हो चुका है उसका बेटा सांस ना लेता है, और मतलब वो खामोश हो जाता है। तो नर्स डर के वाल्मीकि के पास भागती है, बोलती है कि ऐसा ऐसा हो गया। तो वाल्मीकि सोचते कि क्यों ना एक ही तीर से दो निशाना मारूं, यानी कि अपने बेटे को रामचंद्र के बेटे से बदल लूँ, ताकि जो जिंदगी वो नहीं जी पाया वो उसका बेटा रामचंद्र के घर पे जिएगा, और साथ साथ इसी बहाने रामचंद्र से और उसकी फैमिली से अपना बदला भी ले लेगा। अब ऐसे में बच्चे की हो जाती हेरा फेरी, फिर क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। देखो मैं एक ही चीज़ बोलूंगा कि इस मूवी में आपको लव देखने को मिलेगा, एक्शन देखने को मिलेगा, कॉमेडी देखने को मिलेगी और इमोशंस देखने मिलेगी, यानी कि वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो एक इंडियन ऑडियंस एक मूवी से एक्सपेक्ट करती है। और अगर वो मूवी अल्लू अर्जुन की हो तो फिर क्या ही कहने। अल्लू अर्जुन का मैजिक ही है जो एक सिंपल सी कहानी भी आपको इतनी अच्छी लगती है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक आप लोग हिलते नहीं हो। इस पर्टिकुलर मूवी में आप कार्तिक आर्यन को इमेजिन करो तो मूवी उतनी ज्यादा वर्स्ट लगती है। और यकीन मानो अब इसके बाद कार्तिक आर्यन की सजादा कौन देखेगा वो मुझे नहीं समझ में आता, और जो भी देखेगा वो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात को तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि अल्लू अर्जुन ही है जो इस पर्टिकुलर मूवी को एक अलग लेवल पे लेके गए, तो अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस कमाल है। पूजा हेगड़े की भी परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, और केमिस्ट्री बिटवीन अल्लू एंड पूजा इज वाओ। उसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं सब लोग ने अपने इससे रोल बहुत अच्छी तरह से किया, तब्बो ने भी अपने रोल को ठीक ठाक से निभाया है। तो मैं इसकी हिंदी डबिंग की बात करूँ तो यार मुझे डबिंग बहुत अच्छी लगी। संकेत ने जो अल्लू अर्जुन की डबिंग किया है इस वर्जन हिंदी वर्जन में, कमाल की वॉइस है उनकी, और अपने भी डबिंग आर्टिस्ट सब लोग ने जस्टिस किया है अपने कैरेक्टर्स को लेकर। सॉन्ग्स आपको हिंदी में सुनने को मिले, हाँ जो सेकंड सॉन्ग था वो मुझे उन्हीं की लैंग्वेज में सुनने को मिला, पता नहीं किसी मेरे साथ हुआ या आप लोगों के साथ भी होगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आला वैकंत पुरलो देख चुके हो तो फिर से दोबारा देख लो, मजा आने वाला। और अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, तो इसमें कुछ भी अश्लील नहीं है। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 8/10। बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दिल देन बाय।